महानगर में नगर निगम के द्वारा सफाई अभियान जोर शोर के साथ चलाया जा रहा है। अभियान के चलते निर्यातक महेश अग्रवाल ने बताया कि शहर में सफाई की जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से शहर को साफ बनाया जा रहा है, उसी प्रकार से परिवर्तन भी करो। उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं, उनमें कूड़ा डालने के लिए सभी को जागरूक किया गया है, लेकिन जिन स्थानों पर कूड़ेदान ही नहीं है, उन सभी स्थानों पर भी व्यवस्था की जाए, जिससे कि शहर को साफ रखा जा सके। महेश अग्रवाल का कहना है कि जिस जगह पर कूड़े का पड़ाव है, उसी स्थान पर बिजली के ट्रांसफार्मर रखे गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि इस प्रकार से शहर को भी स्मार्ट नहीं बनाया जा सकता। अच्छी तरह काम कर रहा है, नई नई जब से कार्यकारिणी नई इलेक्शन के बाद हुई है, उसमें मैं देख रहा हूँ शहर की सफाई काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन जो जो पब्लिक की सोच है वो थोड़ी बदलनी चाहिए। इसके अलावा हमारा जो मुरादाबाद शहर है, वो जो मोदी जी का 100 शहरों का अभियान था स्मार्ट सिटी का, उसमें अभी 21वें नंबर पर आया हुआ है और उसके अभी कार्यकाल चल रहा है और अभी तक उसके अंदर भी कोई भी हमें अभी सफलता नहीं मिली है कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन जाए। इसके अलावा मोदी जी ने एक नई स्कीम चालू की है 4000 शहरों की, उसके अंदर वो 4000 अंक मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि सब लोग स्वच्छ भारत ऐप डाउन कर अपनी मतलब मार्ग जो अपनी वो है भागीदारी दिखाएं कि हम जो है अपने शहर को स्मार्ट सिटी होना करना चाहते हैं। इसके अलावा जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे शहर मुरादाबाद में जो पुराना शहर है, इसमें कहीं पर भी पड़ाव घर नहीं है। सड़क के ऊपर बिजली के जो ट्रांसफार्मर हैं, वहीं पर सड़क पर पावर हाउस लगा दिए गए हैं ट्रांसफार्मर, और वहीं पर कूड़ा डाल दिया गया है, उसके बराबर में ही कूड़ेदान लग दिए गए हैं, जिससे जो बिजली के तार वगैरह भी हैं, जैसे मालवीय नगर है वहाँ पर कूड़ा घर जो पड़ाव घर बनाया गया है टेम्परेरी, उसके अंदर कहीं पर भी कोई कूड़ेदान नहीं रखा हुआ। इसके अलावा अगर हम बस अड्डे के सामने देखते हैं रेलवे लाइन का जो नाला है, उसके अंदर मैं समझता हूँ पिछले 6 महीने से सफाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से कम 4-5 ट्रक कूड़ा उस नाले में अटका हुआ है। और मैं चाहता हूँ सबसे पहले जो जहाँ से जो हमारे बेसिक पॉइंट हैं, जहाँ से हम सफाई आसानी से नगर निगम करा सकता है, वहाँ पर ज़रूर सफाई करानी चाहिए, रेलवे का नाला। और इसके अलावा जितनी मुरादाबाद क्षेत्र के अंदर नई कॉलोनी बन रही है, उनमें पड़ाव घर का, जैसे MDA है हमारा, जब मीटिंग होती है उसमें नया मुरादाबाद बन रहा है, आशियाना बना या कांठ रोड पर जितनी कॉलोनी बनी, उसमें MDA ने कहीं पर भी पड़ाव घर और बिजली के जो पावर हाउस हैं उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। वो हमेशा अभी भी सड़कों पर लग रहे हैं, कूड़ा घर सड़कों पर पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे जो MDA है, जब कॉलोनी विकसित करता है और हैंडओवर करता है, उससे पहले कोई ना कोई खाली प्लॉट पर ही जो है हर सेक्टर में एक एक पड़ाव घर की व्यवस्था जरूर करे, ताकि हमारा शहर स्वच्छ हो सके। अन्यथा हम जो आने वाले समय में हैं, जो नया मुरादाबाद है या कांठ रोड है, जो नई कॉलोनी बन रही है, वहाँ पर कभी भी सफाई हमारा अभियान पूरा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।